मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 300 फरियादियों की फरियाद को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। जिन लोगों के पास आवास नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं एक एक कर फरियादियों के पास जाकर समस्या सुनते नजर आए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को इलाज के लिए धन की आवश्यकता है तो डॉक्टर से एस्टीमेट बनवाकर भेजे, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष उसको धन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप कहाँ से आए, क्या है? कंतियरगंज थाना क्षेत्र। अब राम कहाँ का, कहाँ से? हम जांच करवा देंगे, ठीक है? अब राम जांच करवाएंगे तो दोषी होगा उसके खिलाफ। गोरखपुर का मामला कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर का मामला कहाँ से? थाना क्षेत्र। देखिए दोबारा क्यों उनको आने की आवश्यकता पड़ी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या है ये, क्यों नहीं पैमाइश इसका हो जाता है? पैमाइश आपने दे दिया, आपने दिया कार्रवाई कहाँ से, क्या है? कहाँ मामला है? महाराजगंज देवरी को लेकर। आप बताए कहाँ से, क्या हो गया है?